हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हिस्ट्री में लास्ट क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट करके रखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। और इस आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था बुद्धिज्म के बारे में, काफी डिटेल्ड वर्जन था, काफी सारी चीजें देखी थी। इन द सिमिलर मैनर हम लोग देखेंगे आज की क्लास में जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में पहले हम लोग देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड कमिंग अप ऑफ दिस रिलीजन, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि आखिर में जैन धर्म में कौन कौन लोग हैं, तीर्थंकर्स कौन कौन से हैं, क्या कंडीशंस थी, और आखिर में महावीर वर्धमान कौन है, और अल्टीमेटली हम लोग जैनिज्म के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इनके कह लीजिए कि फिलोसफीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे इस जैनिज्म में कितने डिफरेंट सेक्ट हैं, अलग अलग तरीके का डिवीजन हुआ है, और उस डिवीजन के बारे में देखेंगे। और लास्टली हम लोग देखेंगे इस जैन धर्म के लिटरेचर्स के बारे में। अगेन काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और आपके प्रिलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, एंड दिस विल बी सफिशियंट एनफ टू क्रैक एनी प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर यू हैव टू रीड अ लॉट, और बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल है पढ़ने के लिए। लेकिन अगेन जो है, आप केवल बुद्धिज्म और जैनिज्म के थ्रू आप ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले जाएंगे, बिकॉज एट मैक्स वन और टू क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, और इन दोनों क्वेश्चन के लिए केवल और केवल काफी ज्यादा इनपुट डालना दैट विल नॉट बी गुड इनफ। तो इस वजह से एक लिमिटेशन रखनी काफी जरूरी होती है, बट ये है कि आप इस मटेरियल के अलावा कुछ और रेफर करना जरूरी नहीं होगा, मतलब इनफैक्ट यू कैन लिमिट अप टू दिस मटेरियल, और इस मटेरियल के बाद आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं जैनिज्म के बारे में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल कोर्सेज, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए, आर्ट एंड कल्चर की फुल फ्लेज्ड कोर्स स्टार्ट होगी 16th ऑफ अगस्त से, और यहाँ पर द मेन बुक दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इज द नितिन सिंघानिया बुक, और इसके अलावा सीसीआरटी वगैरह के भी मटेरियल को हम लोग देखेंगे। द डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपके प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन, मतलब की प्रीलिम्स का डिस्कशन एज वेल एज द क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही कराई जाएगी, साथ ही साथ आपके मेंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी कराई जाएगी। तो इंटरेस्टेड वन कैन सब्सक्राइब फॉर दिस, एंड वी विल बिगिन दिस फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त। जैनिज्म के बारे में बात किया जाए तो जैनिज्म में जानने से पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आखिर में ये जैनिज्म आया क्यों। सीन ये चल रहा था कि जब वैदिक एज थी उस समय तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहां पर सारी चीजें जो चल रही थी वो वेदास के माध्यम से चल रही थी, और इस तरीके से जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड तो नहीं थी, बिकॉज हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक काम था, अपना अपना एक धर्म था, और उसी के बेसिस पे ये लोग अपना काम कर रहे थे, एंड देयर वाज एक्चुअली अ बैलेंस, एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जैसे ही आयरन की खोज होती है, इस आयरन की खोज के बाद से सबकी अपनी अपनी ग्रोथ होनी शुरू हुई, और उस ग्रोथ के बाद अल्टीमेटली डिविजन इन द सोसाइटी देखने को मिला, क्योंकि यहां से अब प्रॉस्पेरिटी में जो है डिफरेंस आना शुरू हो गया था, और इस डिविजन के कारण से ही बाद में फिर लेटर वैदिक एज आती है, जहां पर बहुत सारे कर्मकांड वगैरह, बहुत सारे कह लीजिए कि मिसबिलीव्स वगैरह आ गई थी, कई सारी ऐसी चीजें थी जो कह लीजिए कि जो होता है एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए स्टार्ट की जा रही थी। यहां पर सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी वुमेन की, और अल्टीमेटली वुमेन की कंडीशन आप लोग देख ही सकते हैं कि हिस्ट्री से आज की डेट में भी क्या सीन हो रखा है। तो लेटर वैदिक के एज में ही बहुत सारे ऐसे कर्मकांड, बहुत सारे ऐसे वर्क फंक्शन स्टार्ट हो गए थे जिनके कारण से डिवीजन इन द सोसाइटी स्टार्ट हो गया था। इन डिवीजन ऑफ द सोसाइटी के माध्यम से ही लोग फ्री होने के लिए, लिबरेट होने के लिए अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज फॉलो करना शुरू कर दिए। इसी में से कुछ लोग थे जो ये कहना शुरू किए कि नहीं, हमें अपने वेदास की ओर, हमें अपना जो पुराना लिटरेचर, पुराने जो भी एपिक्स हैं, हमें केवल उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, वी डोंट हैव टू मॉडिफाई आवर रिलीजन, हमें अपने कह लीजिए कि धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन विद द टाइम जो चीज पहले महापुरुष हुए करते थे वो फिर जो है देवता बन गए, और फिर अल्टीमेटली इनकार्नेशन पीरियड यानी कि अवतारवाद की शुरुआत होती है, और इस तरीके से
गुप्ता एज जब आता है तो उस गुप्ता एज में तरह तरह की मूर्तियां, तरह तरह के देवी देवता जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही जब लेटर वैदिक पीरियड ही चल रहा था उसी समय जैन धर्म स्टार्ट होता है, और ये जैन धर्म बेसिकली इन लेटर वैदिक एज के जो फंक्शनरीज, जो कर्मकांड थे उनको हटाते हुए अपना एक प्रिंसिपल, अपना एक फिलोसफी स्टार्ट किए थे। इनकी जो शुरुआत होती है वो ऋषभ देव करते हैं। ऋषभ देव को आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट तीर्थंकर है। कौन है? ऋषभ देव। और इस तरीके से जैन धर्म की यहां पर शुरुआत होती है। हालांकि जैन धर्म के जो रियल फाउंडर बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं वर्धमान महावीर, जो कि 24th नंबर के तीर्थंकर हैं, और जबकि फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, इन्होंने शुरुआत की थी। तो दोनों में समझ में आ रहा है ना कि क्या चीज है। ये फाउंडर है बट ये रियल फाउंडर है। तो ये काफी पुरानी, बहुत पहले की बात है। ऑब्वियसली यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जैनिज्म पहले आया था बुद्धिज्म से, बिकॉज बुद्धिज्म की शुरुआत होती है महात्मा बुद्ध के बाद। महात्मा बुद्ध आते हैं आपके 563 BC में, वो तो जन्मे हैं। उसके बाद से फिर जो है आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज जो है तब जाकर के स्टार्ट होने वाला है। तो ऑब्वियसली इट विल टेक अराउंड 550 BC। जबकि वही ऋषभ देव के बारे में बात करें तो बहुत पहले की बात चल रही है जहां पर जैन धर्म की ये शुरुआत हो जाती है। तो ये सीन है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द दीज टू रिलीजन्स। अब यहां पर कई सारे तीर्थंकर होते हैं जो जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फिलोसफीज हैं, उनको आगे प्रोपेगेट करते हैं। यहां पर जैसे फर्स्ट तीर्थंकर, सेकंड तीर्थंकर, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 24th तीर्थंकर्स हुए हैं। इन तीर्थंकरों की सीधी सी बात है कि वैदिक एज से ही आ रखे हैं, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी मेंशन वेदास में किया गया होगा, और बिल्कुल किया गया है। जैसे यहां पर जो ऋग्वेदा है उस ऋग्वेदा में ऋषभ देव एज वेल एज अरिष्टनेमी जो है ये भी जो है 21st तीर्थंकर है, इनका भी मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा यजुर्वेद में मेंशन किया गया है अजीत नाथ का, दिस इज अजीत नाथ। अब देखिए ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 24 नंबर के 24 तीर्थंकर्स आर देयर, और एक एक का नाम याद रखना इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टफ ऑल्सो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आपके लिए याद करने लायक नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। बट दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर हियर कि ऋग्वेद में किसका किसका मेंशन है और यजुर्वेद में किसका किसका मेंशन है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने यहां पर एक चीज बताया हुआ है कि जो ऋग्वेद थी उस समय इतने ज्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे कि लोग अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज को फॉलो करना शुरू कर दिए थे। एक लिटरेचर है एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इस बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड दिस बुद्धिस्ट लिटरेचर इज ब्रह्मजाल सूत्र, दिस इज ब्रह्मजाल सूत्र। इस ब्रह्मजाल सूत्र के हिसाब से 62 तरीके के डिफरेंट रिलीजन फॉलो हो रहे थे इन द सोसाइटी, एंड ऑब्वियसली दिस सोसाइटी इज हिंदू सोसाइटी, जो कि बाद में जब ग्रीक्स आए थे उन्होंने ये बोला था कि दे आर हिंदूज बिकॉज दे आर लिविंग बियॉन्ड द रिवर इंडस, जिसको कियरो हिंदस रिवर भी बोलते थे। तो इस तरीके से जो होता है ये 62 सेक्ट जो है वो सोसाइटी में प्रिवेलेंट थे जो चल रहे थे। उसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निकल करके सामने आए थे वो निकल के आए थे आपके जैन और साथ ही साथ आपके बुद्धिज्म। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं तो उनके बारे में भी बता देता हूं मैं, क्योंकि आपको मे बी यू हैव सम क्यूरियोसिटी कि आखिर में 62 टाइप के हैं कौन। एक तो आपको पता ही चल गया दिस इज बुद्धिज्म, दूसरा आप लोगों को पता ही चल गया जैनिज्म, जिनके बारे में हम लोग अभी इनफैक्ट डिस्कशन भी करेंगे, और बुद्धिज्म के बारे में तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिए हैं। इन दोनों लोगों के बारे में ज्यादा आपको तो डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सेक्ट्स हैं, जैसे कि एक था जो आजीविका सेक्ट था, दिस इज आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट को जो शुरुआत की गई थी वो मखली घोषाल के द्वारा की गई थी। तो यहां से मखली घोषाल आ जाते हैं आजीविका सेक्ट के बारे में। सिमिलरली एक घोर अक्रियावादी एक सेक्ट था, दिस इज घोर अक्रियावादी। अक्रियावादी का मतलब जो कोई काम ना करना, दिस इज अक्रियावादी। और ये जो घोर अक्रियावादी जो प्रिंसिपल जो सेक्ट था वो स्टार्ट किया गया था पूरन कश्यप के द्वारा, दिस इज कश्यप ऋषि, दिस इज कश्यप। क्लियर हुआ? सिमिलरली एक और सेक्ट इसी तरीके से चल रही थी जिसका नाम था भौतिकवादी, मतलब दे वर बेसिकली रिलाइंग ऑन द फिजिकल थिंग्स। तो ये जो भौतिकवादी शुरुआत की स्टार्ट हुई थी वो
अजीत केस कंबलिन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो देखिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू नो यू कि आप ये सारी चीजें भी जानते रहिए कि आखिर में जो डिफरेंट सेक्ट थे वो एक्चुअल में थे, क्लियर। इसके अलावा जैसे एक नित्यवादी थे जिसका नाम जो है जो कच्चायन के द्वारा शुरू किया गया था, सिमिलरली एक अनिश्चयवादी या फिर संदेहवादी थे जो कि संजय वेलुदुपुत के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ 62 टाइप ऑफ सेक्ट्स बहुत सारे थे, अलग अलग थे, उनको याद रख पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड इट ये जो है आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। केवल हम लोग को एक एक जानकारी लेनी थी कि हाँ जो 62 टाइप्स ऑफ सेक्ट्स हैं वो कुछ हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी में डिफरेंट है। तो ये आपकी हो जाती है जो डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स होते हैं। अब जरा जैन धर्म में वापस से आते हैं हम लोग, तो जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर्स होते हैं या फिर जो उनके फिलोसोफर्स हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इनको बुलाता है जिन, जिन का मतलब होता है जो कि कह लीजिए कि लिबरेटेड पर्सन है, इनलाइटेंड पर्सन है, उसको जिन बोला जाता है। जो नॉलेज लेता है उसको कैवलिन बोला जाता है, दिस इज कैवलिन, क्लियर। इसके अलावा इनको अरहत भी बोला जाता है, दिस इज अरहत, और इस अरहत के अलावा निग्रंथ बोला जाता है, दिस इज निग्रंथा, क्लियर। जैन धर्म में जैसे कि बुद्धिज्म में तो हम लोगों ने देखा है, देखिए ये सब लिखा नहीं हुआ है स्लाइड में, इस वजह से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बुद्धिज्म में जैसे हम लोगों ने देखा था कि एनलाइटनमेंट हुई थी, भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी, लेकिन यहां पर एनलाइटनमेंट का मतलब केवल और केवल क्या था, इनका मतलब था केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति या कह लीजिए नॉलेज, एक तरीके से कह लीजिए मेडिटेशन के बेसिस पे जो एनलाइटनमेंट आई थी वो आई थी। जैन धर्म थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई करता है और बताता है कि देखिए जो आपके ज्ञान है, जो एक्चुअल में नॉलेज है या कह लीजिए जो एनलाइटनमेंट है, ये जरूरी नहीं है केवल और केवल जो होता है बैठ करके मेडिटेशन के बेसिस पे ही किया जाए। सिमिलर जैसे कि आपको एक अगर छोटी सी बात करें, जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति, सेल्वेशन की प्राप्ति करना, तो सेल्वेशन के लिए बेसिकली देयर आर थ्री वीज, वन इज टू रीड वेदा, आप अपने वेद को पढ़ लीजिए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा तपस्या करिए, तपस्या करने का मतलब वही सैक्रिफिशियल्स जो भी है वो करना पड़ेगा आपको, लगातार कंटिन्यूसली जाप करना पड़ेगा। लास्टली भक्ति मूवमेंट, भक्ति का मतलब ये होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके अल्टीमेटली केवल और केवल भक्ति में लीन रहना है। तो ये तीन तरीके बताए गए हैं सेल्वेशन प्राप्त करने के। सिमिलरली जैनिज्म में भी पांच तरीके की एनलाइटनमेंट बताई गई है, मतलब फाइव वेज टू अचीव एनलाइटनमेंट। कौन कौन से वो हैं? एक तो सीधी सी बात है ज्ञान के बेसिस पे जिसको बुलाता है कैवल्य, दिस इज कैवल्य, और इसी कैवल्य के बेसिस पे नाम रखा गया है कैवलिन, ये क्लियर हो रहा है कैवलिन। तो ये बोला गया है ज्ञान के द्वारा। इसके अलावा, इस ज्ञान के अलावा भी देयर आर बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक है जो मति है, मति का मतलब होता है दिमाग से। दूसरी है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुन करके। आई एम राइटिंग दिस इज हिंदी जस्ट टू मेक यू क्लियर कि जो मति, जैसे मति होती है दिस इज समथिंग रिलेटेड विद योर माइंड, तो यहां से आप समझ जाएंगे कि मति का मतलब क्या है और श्रुति का मतलब क्या है, श्रुति मतलब सुनना। इसके अलावा एक और है दिस इज अवधि, मतलब एक टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के बेसिस पे भी आपको नॉलेज मिल जाती है। और लास्टली जो होता है मनः पर्याय, कंट्रोल करके मन को वश में करके, दिस इज मनः पर्याय। तो ये कुछ पांच तरीके हैं जिनके बेसिस पे आप एनलाइटन हो सकते हैं। तो ये सारी तरीके बताए गए थे जैनिज्म में, ये सारे तरीके बताए गए हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और भी चीज यहाँ पर है कि जो गुजरात का रूलर था, गुजरात मतलब कि उस समय अनहिल वाड़ के भी नाम से जाना जाता था, दिस इज अनहिल वाड़, अनहिल वाड़ के द्वारा ये के नाम से ये जाना जाता था। यहाँ का जो रूलर था वो बेसिकली भीम था, दिस इज भीम। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अनहिल वाड़ जो गुजरात, जैसे चालुक्यास थे बेसिकली, वो तीन टाइप के चालुक्यास थे, एक थे जो वातापी के चालुक्य थे, फिर वेंगी के चालुक्य थे, और लास्टली जो है कल्याणी के चालुक्य थे। जब ये तीनों डायनेस्टीज डिक्लाइन हो जाती है तो अल्टीमेटली गुजरात में एक लास्ट चालुक्याज आते हैं जिनको सोलंकीज के नाम से भी जाना जाता है। ये सोलंकीज जो होते हैं वो जब गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन कर रही थी उस समय की भी पीरियड में ये लोग राइज किए थे। सबसे पहले मैत्रक डायनेस्टी आई थी जो कि हर्षवर्धन के साथ में मैरिटल रिलेशंस में थे। बाद में जब हर्षवर्धन का टाइम खत्म हो जाता है, वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे बाकी डायनेस्टीज का राइज हो जाता है, लाइक गुर्जर प्रतिहार पाल एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, क्लियर।
तो यहां से फिर जब ये भी डायनेस्टी फॉल आउट हो जाती है तो फिर मालवा के परमार वगैरह आ जाते हैं, बुंदेलखंड में चंदेल आ जाते हैं, जेजाग भुक्ति आ जाते हैं। ये सब तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लास्ट क्लास में, मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री के डिस्कशन में हम लोगों ने काफी डिटेल्ड मैनर में ये सब डिस्कस किया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज है कि व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दैट थिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली इन सिलेबस डायरेक्टली, लेकिन वो चीज अगेन जो होता है हमें पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंडिंग देता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जितना ज्यादा आप पढ़े रहेंगे उतना ज्यादा आपको जानकारी मिली रहेगी। क्लियर है? नाउ अब आते हैं हम लोग जरा यहां पर। तो भीम वन के टाइम पे यहां पर इनका एक मंत्री था, मिनिस्टर था, जिसका नाम था विमल पान मसाला। विमल पान मसाला का मतलब विमल था। एंड दिस विमल जो था वो गुजरात में है, सीधी सी बात है, तो राजस्थान के माउंट अबू में जा करके वहां पर एक टेम्पल बनवाता है और वहां पर ऋषभ देव की, मतलब कि जो ये फर्स्ट तीर्थंकर है, उनकी स्टैच्यू बनवाता है। और इसी वजह से ये जैन धर्म, माउंट अबू जो होता है वो जैन धर्म का एक काफी अच्छा पिलग्रिमेज माना जाता है, काफी ज्यादा लोगों की वहां पर भक्ति वगैरह है तो लोग जाते हैं वहां पर उसको फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि 21st तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी, ये कृष्ण के कंटेम्पररी थे, वही कृष्ण जो महाभारत टाइम पीरियड के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पहले हम लोग बातें कर रहे हैं महाजनपद काल के बारे में, महाजनपद पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम अरिष्टनेमी वॉज देयर एंड ऐसा माना जाता है कि उस समय मत्स्य में यानी कि मथुरा के एरिया में सूरसेन या डायनेस्टी थी वहां पर जो है कृष्ण भी जन्मे थे और इस तरीके से यहाँ का पूरा सीन हुआ था। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके आगे हम लोग जाकर के बात करेंगे 24 जितने भी तीर्थंकर से उनके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, फिलहाल स्लाइड की चीजों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये सब तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कुछ बैकग्राउंड अबाउट द जैनिज्म। जैनिज्म इज जनरली बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज महावीर, लेकिन ये रियल फाउंडर है, अगेन ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, दिस इज रियल फाउंडर एंड इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज दैट महावीर जो है वो 24th तीर्थंकर है। द सेक्रेट बुक ऑफ जैनिज्म टेल्स अस दैट देयर फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभ देव एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो ये जैनिज्म के फाउंडर थे। ऋषभ वॉज फॉलोड बाई 23 तीर्थंकर्स, बाद में इनके 23 और तीर्थंकर होते हैं। अच्छा, इनका जो मेंशन है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी किया गया है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि वेद है, वेद को और बढ़िया से समझने के लिए ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के अलावा अरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। इसके अलावा 18 पुराण और 108 उपनिषद भी लिखे गए हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो होता है 108 बार जाप करते हैं। व्हाट डज दैट मीन, व्हाई 108 ओनली? वो 108 इसीलिए होता है क्योंकि 108 उपनिषद होते हैं और उन 108 उपनिषद के नाम पर जो माला जाप वगैरह किया जाता है वो किया जाता है। यहाँ पर जो 18 पुराण है उस 18 पुराण में कुछ पुराण है जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, गरुड़ पुराण, मतलब नंबर ऑफ पुराण्स आर देयर। उसमें से जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण है उसमें ऋषभ देव के बारे में मेंशन किया गया, यानी कि यहां से दो चीजों के बारे में पता चल गया कि पुराण्स में भी ऋषभ देव का मेंशन किया गया है और साथ ही साथ में ऋग्वेदा में भी किया गया है मेंशन। अच्छा, यहां पर बोला गया है कि ये नारायण के, मतलब भगवान विष्णु के ये अवतार है, इनकार्नेशन ऑफ नारायण बोला गया है विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। अच्छा, जो पुराण्स वगैरह कब लिखे गए हैं, ये मेनली लिखे गए हैं गुप्ता पीरियड में। और सबसे पुरानी कौन सी पुराण है, सबसे पुरानी पुराण है मत्स्य पुराण। इनके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इन आवर एंशियंट हिस्ट्री वीडियोस। अब हम लोग जरा आ जाते हैं महावीर के बारे में बात कर लेते हैं। महावीर के बारे में अगर बात करेंगे तो महावीर जो थे वो ज्ञात्रिक क्लैन के थे और ये बेसिकली जो होते हैं इनके फादर जो है वो सिद्धार्थ थे और ये ज्ञात्रिक क्लैन के ही कह लीजिए लीडर थे। जो इनकी मदर थी वो त्रिशला थी, त्रिशला जो है वो लिच्छवी की कह लीजिए कि राजकुमारी कह सकते हैं आप, राजकुमारी थी। और अल्टीमेटली जो होते हैं इन दोनों की शादी हो जाती है और महावीर पैदा होते हैं। महावीर के जो बड़े भाई का नाम रहता है उनका नाम रहता है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल जानते रहिए, नंदीवर्धन जो होते हैं इनके बड़े भाई रहते हैं। ऑब्वियसली जो थ्रोन रहेगी इट विल ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली गो टू द नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन से ये फिर जो होता है बातचीत करके फिर निकल लेते हैं अपने ज्ञान वगैरह के लिए और इस तरीके से ये मॉन्क बन जाते हैं।
इनकी जो बर्थ प्लेस है वो कुंडल ग्राम में है नियर वैशाली, और इनकी बर्थ को लेकर के मतलब कह लीजिए डाउट है। कुछ लोग बोलते हैं कि 599 बीसी में हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं 527 बीसी में हुई है। तो अगेन जो होता है आप ये दोनों ही बातें जानते रहिए, बट स्टिल जो भी चीजें इस तरीके की डाउटफुल होती हैं वो कभी भी सिविल्स में नहीं पूछा जाता है, हमेशा जो कंक्रीट चीजें होती हैं वही पूछी जाती हैं। इसके अलावा कैवल्य जो होता है इन्होंने मतलब कैवल्य का मतलब एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति 43 ईयर के एज में इन्होंने पाई थी अंडर द ट्री ऑफ साल, साल वृक्ष के नीचे जाम्बिका ग्राम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे जाम्बिका ग्राम बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे कि हम लोगों ने बुद्धिज्म में फॉलो किया था बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, और वहां पर जो रिवर थी वो थी निरंजना रिवर, जिसे आज की डेट में फाल्गु रिवर भी बोला जाता है, और वहां पे जो ट्री था वो बोधि ट्री था। तो अगेन जो होता है इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा आपको। ऐसा माना गया है, ऑब्जर्वेशन है केवल, दिस इज नॉट एनी प्रूव्ड फैक्ट वगैरह नहीं है, ऐसा माना गया है कि ऑब्जर्वेशन है कि एग्जाम में एक साल बुद्धिज्म आता है, फिर नेक्स्ट ईयर जैनिज्म, फिर नेक्स्ट ईयर बुद्धिज्म, नेक्स्ट ईयर जैनिज्म, बट ऐसा कोई मतलब पैटर्न नहीं है, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। कि अब जैसे लास्ट ईयर जो होता है जैनिज्म के बारे में पूछा गया, तो ऑब्वियसली इस बार बुद्धिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बेटर तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा। बट स्टिल मैं कहूंगा दोनों ही चीजें प्रिपेयर करके रखिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, नाउ फर्स्ट सरमन जब इनको एनलाइटनमेंट हो जाती है तो फर्स्ट सरमन ये देते हैं एट पावापुरी 11 डेसिपल्स को देते हैं। इन 11 डेसिपल्स को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है गणधर, दिस इज गणधर। इन गणधर में 11 डेसिपल्स हैं, लेकिन 11 को नाम याद रख पाना दिस इज ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर ओनली टू नेम्स। दो नाम आपको याद रखने की जरूरत है, तो ये कौन से वो दो नाम है? एक नाम आपको याद रखना है इंद्रभूति का, और दूसरा है सुधर्मन का, दिस इज इंद्रभूति एंड सुधर्मन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इंद्रभूति और सुधर्मन इन दो लोगों का नाम याद रखना है, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि बचे हुए जो बाकी 9 हैं ये लोग महावीर, वर्धमान महावीर से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, बाकी ये दो लोग जो थे वो वर्धमान महावीर के बाद थे, मतलब जिंदा थे। इनफैक्ट वर्धमान महावीर ने एक काउंसिल भी बनाया था, और इस काउंसिल में पहले तो वर्धमान महावीर ही थे। महावीर के बाद जब कह लीजिए महावीर के बाद जो इस काउंसिल की लीडरशिप थी वो सुधर्मन ने ही संभाली थी। सुधर्मन के बाद फिर एक जम्बू साहब थे, जम्बू, इन्होंने फिर संभाली थी 44 ईयर तक। तो इस तरीके से जो होता है इनकी जो काउंसिल थी वो मतलब प्रोपेगेशन ऑफ द जैनिज्म जो होती है वो इस तरीके से आगे चली हुई थी। क्लियर हो गया क्या चीज है? एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है महावीर के बारे में कि महावीर की जो शादी हुई थी वो हुई थी यशोदा के साथ में, और इस तरीके से इनकी एक डॉटर हुई थी, डॉटर का नाम था अड़ोज्या, दिस इज अड़ोज्या। अड़ोज्या की जो शादी हुई थी वो जमाली के साथ में हुई थी, और ये जो जमाली थे ये फर्स्ट डेसिपल बने थे, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। क्लियर, आगे बात करते हैं। प्लेसेस एसोसिएटेड, अब जैसे क्या है कि बुद्धिज्म में हम लोगों ने देखा था कि देयर वर 8 प्लेसेस विच आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, जस्ट लाइक लुम्बिनी हो गई जो नेपाल में है, इसके अलावा बिहार में अगर बात करेंगे तो गया हो गया, राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद बुद्धिज्म। सिमिलरली जो होता है यूपी में आ जाएंगे तो सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजिशन या कह लीजिए कि प्लेसेज हैं दिस इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। ऑन द सिमिलर नोट कुछ जगह हैं जो जैनिज्म से भी रिलेटेड हैं, लाइक चंपा, वैशाली, कौशल, मिथिला, मगध और पावापुरी। तो इन प्लेसेस का नाम याद रखिएगा। यू मे हैव अ क्वेश्चन कि कुछ जगहों का नाम दे देगा और उससे बोल देगा कि ये बताइए जैनिज्म से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। तो इस वजह से जगह का नाम भी आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में आपको कुछ फैक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इनकी जो डेथ हुई थी वो 72 ईयर में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, एंड इनका जो डॉक्ट्रिन्स है जैनिज्म का वो आगे इन्होंने प्रोपेगेट किया था थ्रू द काउंसिल्स। आगे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जरा कुछ देख लेते हैं इनके कुछ वोज हैं। वोज का मतलब हो गया कि इनके एक तरीके से ज्ञान है। ज्ञान में क्या चीज है? देखिए यहाँ पर जो है
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, इनका मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब होता है ऑब्वियसली नॉन वायलेंस, यानी कि किसी को आप कोई भी दुख मत पहुंचाइए। सत्य का मतलब होता है कि नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब होता है कि नॉन पोजेशन, मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी या फिर धन, जो भी दौलत, जो भी मतलब मनी है, उसका एक निश्चित मतलब एक लिमिटेड लिमिटेशन से ज्यादा आप उसे स्टोर मत करिए, बिकॉज दैट विल बी द कॉज ऑफ योर सॉरो, दैट विल बी कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जो होता है ये दुख आगे आपका बन सकता है। और जो ब्रह्मचर्य है उसको बोलते हैं चास्टी। अब देखिए यहां पर एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो टॉप के फोर लिखे गए हैं ये पार्श्वनाथ ने बताया था, दिस इज पार्श्वनाथ, और ये जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे, ये जो है वो महावीर ने बताए थे, और महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे। एक्चुअली मैं महावीर और पार्श्वनाथ के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, इनफैक्ट जो पार्श्वनाथ को अभी आगे मैं बताऊंगा, पार्श्वनाथ को जो लोग फॉलो किए थे वो लोग श्वेतांबर कहलाए, दिस इज श्वेतांबर, और जो लोग महावीर को फॉलो किए वो लोग दिगंबर कहलाए, दिगंबरा। क्लियर हो गया क्या चीज है? अभी आगे हम लोग देखेंगे इनके बारे में, दिस इज यहां पर जो है एटलीस्ट एक माइंडसेट बन जाएगा आपका, इस वजह से यहां पर बता दिया गया है। आगे अगर देखा जाए, एक चीज यहां पर जरा समझ लीजिए कि जब इनको एनलाइटनमेंट हो गई थी, इस एनलाइटनमेंट के बाद ऑब्वियसली इनके कुछ डेसिपल्स बन जाएंगे। तो जो फीमेल डेसिपल्स थी वो थी एक तो चंदना और दूसरी थी एक छलना। छलना, छलना जो इनके मामा की लड़की थी, और दूसरा जो है मेल्स, जो मेल थे वो जमाली थे। जमाली तो इनके खैर दमादी हो गए। तो ये जो लोग थे ये बेसिकली यहां पर थे। यहां पर जो है बेसिकली 24 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में बताया गया है। 2400 का नाम याद रख पाना इट इज काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी टफ। तो यहां पर कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और वही आपको याद भी रखने हैं। यहां पर आपको दिखेगा पहले नाम लिखा हुआ है, फिर साथ में कुछ सिंबल बना हुआ है। व्हाट इज मीन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा माना गया है, जस्ट लाइक वज्रयान सेक्ट में अगर आप जाएंगे बुद्धिज्म में, तो वो बेसिकली तिब्बत में फ्लरिश किया गया है। तिब्बत में बेसिकली जो होता है वो आगे बढ़ी है, तिब्बत में फॉलोवर है उसके। तो वहां पर भी जो है इनकारनेशन फॉर्मेट ऑफ बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, मतलब कि वहां पर बुद्ध के अवतारवाद को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक दलाई लामा होते हैं, दलाई लामा अपने समय में ही मतलब इन हिज लाइफ पीरियड वो एक पंचन लामा को बताते हैं। उनको एक विजन आता है, कहते हैं भाई फला गांव में जाकर के फला बच्चा जो है इधर मेल और फीमेल वो जो है पंचन लामा होगा। अब पंचन लामा को पकड़ के लाया जाता है, पंचन लामा को ऐसा माना जाता है कि पंचन लामा को भी विजन आता है और वो बताता है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा। और इस तरीके से एक अवतारवाद और एक कह लीजिए मैजिकल पावर ये माना जाता है वज्रयान में, जिसको कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसी तरीके से सेम जैन धर्म में भी सेम फिलॉसफी है। यहां पर बोला जाता है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके पैर के अंगूठे पर एक सिंबल बना होता है और वही सिंबल इनका सिंबल बन जाता है। जैसे कि आदिनाथ, आदिनाथ का मतलब ऋषभ देव, इनके पैर पर बैल या फिर ऋषभ बना हुआ था। सिमिलरली अजीतनाथ, इनके पैर पर हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन बंदर, सुमति चकवा, पद्मनाथ पद्म प्रभु, ये पद्म का मतलब होता है कमल, ये पर्यावाची होती है सिनोनिम, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको याद रखना है मल्लिकानाथ जी की, दैट इज अ कलश, ऐसा बोला जाता है। मतलब हालांकि श्वेतांबर और दिगंबर इस बात को लेकर के बहुत डाउट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें करते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि ये फीमेल है और लेकिन श्वेतांबर बोलते हैं नहीं ये मेल है। तो इस वजह से आपको जो है ये भी ध्यान में रखना है कि ये कौन है। जैसे क्या है कि लास्ट इयर्स में सुरको ताड़ा को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि जो होता है वो डाउटफुल था कि वो घोड़ा है कि खच्चर है कि क्या है, बट स्टिल यूपीएससी ने उसे घोड़ा माना था। इस वजह से आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि मल्लिकानाथ जी जो है वो फीमेल है। इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकेस अगर मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाता है फीमेल लिख के आ जाता है तो आप उसे सही मानेंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है?
अच्छा, इसके बाद बाकी आपको यहां से ये याद रखिएगा, नेमिनाथ के बारे में, नमिनाथ, पार्श्वनाथ जी के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, कि इनका सिंह है, इनका सर्प है, इनका शंख है। समझ में आ गया क्या चीज है? पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। पार्श्वनाथ को हम लोग पुरुषार्थ नियम नाम से भी जाने जाते हैं। दिस इज नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इनको जो है पुरुषार्थ नियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पार्श्वनाथ और जो हमारे महावीर, इन दोनों के बीच में एक बड़ी ही फंडामेंटल चीजों को लेकर के दोनों के बीच में एक वाद विवाद था। इनफैक्ट वाद विवाद से अगर बातें आ ही गई हैं तो एक प्रिंसिपल था क्रिया माणकृत। दिस इज क्रिया माणकृत। केवल नाम याद रखना है, क्रिया माणकृत जो होता है एक प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल पर ही महावीर और इनके जो डिसिपल थे जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया और महावीर अपना अपने रास्ते निकल लिए और जमाली अपना अपने रास्ते निकल लिए। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो होती है क्लैश हो गई थी। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पार्श्वनाथ और महावीर में ऐसा क्या कह लीजिए कि जो होता है वो क्लैश हो गया था। पार्श्वनाथ का ऐसा मानना था कि वुमेन शुड ऑल्सो बी अलाउड टू फॉलो जैनिज्म, लेकिन महावीर का मानना ऐसा नहीं था, महिलाओं को नहीं आने देना चाहिए। पार्श्वनाथ कहते थे कि हमें व्हाइट क्लोथिंग्स, या फिर कह लीजिए कि क्लोथिंग्स पहनने चाहिए, व्हाइट जरूरी नहीं है बट क्लोथिंग्स पहनने चाहिए। महावीर का कहना था कि नहीं, हमें क्लोथिंग्स नहीं पहनने चाहिए, हमें न्यूड रहना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज कि जो क्लोथिंग्स है वो एक मिस्टिकल है, मतलब कि वो एक तरीके से जो होता है भ्रम पैदा करती हैं। हमारे एक्चुअल में जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारी पहचान है, वो हमारी डायरेक्शंस हैं, मतलब हमारी दिशाएं ही हमारे कपड़े हैं। तो इस वजह से ये कहते थे कि हमें कपड़े वगैरह नहीं पहनने चाहिए। तो ये जो महावीर थे काफी ज्यादा हार्ड कोर पोजिशन में जाते थे। दिस इज हार्ड कोर पोजिशन, बहुत ही टफ पोजिशन में जाते थे, लेकिन यहाँ पर कह लीजिए कि थोड़ा सा लिबरल फॉर्मेट था। तो इस तरीके से दोनों लोगों के बीच में जो होती है क्लैश थी, हालांकि दोनों ही तीर्थंकर थे, दोनों के ही फिलोसफीज आगे बढ़ाए गए थे। तो यहाँ पर जो होती है, इसके बाद जैनिज्म की कुछ फिलोसफीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि बुद्धिज्म की फिलोसफी थी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं और अष्टांगिक मार्ग, और उस अष्टांगिक पाथ में, मतलब एट फोल्डेड पाथ में हम लोगों ने आठों के बारे में देखा था, जिसको कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। वन वॉज शील, दैट इज अ गुड बिहेवियर, इसके अलावा समाधि थी, सेक्रीफाइस थी, फिर प्रज्ञा थी। तो इन तीन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइडेड थी आपकी एट फोल्डेड पाथ। यहाँ पर जैनिज्म में भी सिमिलरली इसी नेचर पे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई एट फोल्डेड पाथ वगैरह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तीन चीजों के बारे में बात किया गया है। दैट इज सम्यक श्रद्धा, यानी कि राइट फेथ, मतलब कि तीर्थंकर में आप बिलीव करिए, राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान, यानी कि नॉलेज ऑफ जैन क्रीड, एंड लास्टली जो है गुड कंडक्ट होना चाहिए आपका, राइट कंडक्ट यानी कि सम्यक कर्म होना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग प्रैक्टिस ऑफ फाइव वोज। फाइव वोज कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्लियर हो गया, जिसमें से ब्रह्मचर्य महावीर ने बताया है और बाकी फोर वोज के बारे में पार्श्वनाथ ने ही बताया था। थ्योरीज के बारे में अगर बात किया जाए जैनिज्म के बारे में, तो देखिए यहाँ पर दो थ्योरीज है बेसिकली। वन इज द सदावदा थ्योरी एंड सेकेंड वन इज द अनेकांतवाद थ्योरी। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ प्लूरालिटी, मतलब कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स और इसी वजह से यू डोंट हैव टू बी आइसोलेटेड, आप आइसोलेशन में मत रहिए, यू हैव टू इनकाउंटर एवरीथिंग, सारी चीजों को आप देखिए, अनेकांतवाद को देखिए, प्लूरालिटी को देखिए, और इस तरीके से जो है आपको नॉलेज परसीव होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना नॉलेज पांच तरीके से हम लोग ले सकते हैं। एक है आपका जो मति है, मति के अलावा श्रुति हो गया, अवधि हो गया, मनः पर्याय और कैवल्य। तो ये पांच तरीके थे जिनसे हम नॉलेज ले सकते हैं। इसी वजह से हमें इनकाउंटर करना पड़ेगा, हमें चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा, हमें हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। सदावदा थ्योरी के बारे में बोला जाता है कि ऑल अवर जजमेंट्स आर रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड, मतलब कोई भी काम अगर किया गया है तो ऑब्वियसली देयर विल हैव सम काइंड ऑफ लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स। सेवन मोड ऑफ प्रेडिक्शन है यहाँ पर, जिसे सप्तभंगी न्यावदा कहा जाता है। तो अगेन जो थी, केवल आपको ये नाम नाम याद रखना है, इसके बारे में बहुत डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे अगर बढ़े तो देखिए यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में बताया गया है, और ये बुद्धिस्ट काउंसिल, ऑन द सिमिलर नोट ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वही यहाँ पर
जैन काउंसिल्स, और ये जैन काउंसिल्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुई थी 300 बीसी या फिर 302 बीसी में, ऐसा बोला 322 बीसी में माना जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहां पे? पाटलिपुत्र में। इसके जो चेयरमैन थे वो स्थूलभद्र थे। इनफैक्ट स्थूलभद्र का नाम याद रखिएगा, अभी हम लोग बात करेंगे आगे जब श्वेतांबर के बारे में, तो वहां पर हम लोग ये स्थूलभद्र के बारे में देखेंगे। यहां पर कंपाइलेशन किया गया था 12 अंगाज। अंगाज का मतलब होता है जैन लिटरेचर। यहां पर जैसे अंग हो गया, उपांग हो गया, पूर्व हो गया, ये लिटरेचर्स होते हैं जैन धर्म के। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मतलब सेकंड जो बुद्धिस्ट सेकंड जैन काउंसिल हुई थी 512 एडी में हुई थी, देख सकते हैं आपकी नियर अबाउट 800 ईयर्स का अंतर है। और इस समय तक यहां पर जो शासन आ गया था, दिस इज इन वल्लभी, वल्लभी इज इन गुजरात, और इस समय तक शासन आ गया था गुप्ता एज का। और गुप्ता एज में कुमार गुप्त जो है बेसिकली यहां पर ये करवाए थे, कुमार गुप्त वन। क्लियर हो गया क्या चीज है? यहां पर जो चेयरमैन थे वो देवार्धि ऋषि थे। देवार्धि ऋषि ने ये पूरा चेयरमैनशिप किया था। यहां पर फाइनल कंपाइलेशन किया गया था, वही इनके जो जैन लिटरेचर से अंग, उपांग और पूर्व, जिस पर पूर्व। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली यहां पर काम करवाया गया था। आगे अगर बात करें इनके डिफरेंट सेक्ट्स के बारे में, देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से डिफरेंट सेक्ट्स हैं। यहाँ पर श्वेतांबर दिगंबर मेनली है। दिगंबर के बारे में फॉलो करेंगे तो ये देखिए, मेनली जो फॉलो करते हैं वो महावीर को फॉलो करते हैं, महावीर के फॉलोअर्स हैं। और जो दूसरे हैं वो है श्वेतांबर। श्वेतांबर जो फॉलो करते हैं वो बेसिकली पार्श्वनाथ को फॉलो करते हैं। दोनों लोगों के बेसिक चीजों के अगर बारे में बात करें तो देखिए दिगंबर, अच्छा पहले तो इनकी कहानी थोड़ा सा जान लीजिए, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच बट स्टिल जानते रहिए। हुआ ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही एक बहुत मतलब स्टार्वेशन हुई थी, अकाल पैदा हुआ था, और उस अकाल के कारण से ही जो श्वेतांबर मतलब कि दिगंबर के जो कह लीजिए लीडर थे, जिनका नाम भद्रबाहु था, दिस इज भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ में कुछ जैन मॉन्क्स थे, वो लोग जो है वो कहे कि चलो साउथ में चल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई अकाल पड़ा हुआ है। इनफैक्ट इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो गद्दी थी वो दे दी थी, और अल्टीमेटली फिर जो होता है ये इधर आ गए थे। जबकि वही श्वेतांबर लोग वो कहे नहीं हमें यही रहना है, हम तो यही रहेंगे। और इनके जो लीडर हो गए वो लीडर हो गए थे स्थूल भद्र, दिस इज स्थूल भद्र, जो कि फर्स्ट जैन काउंसिल करवाए थे। ये लोग वहीं रह गए, कहां पे? मगध में ही, या फिर कह लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में ही। जब यहां पर स्टार्वेशन हुई थी, मतलब कि कह लीजिए कि जब अकाल पैदा हुआ था, तो ये लोग क्या किए थे कि जो लोग पहले न्यूड रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे, वो लोग अब व्हाइट क्लोथिंग्स पहनना शुरू कर दिए थे। और ये लोग अब महावीर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो करने की बजाय पार्श्वनाथ को फॉलो करना शुरू कर दिए थे। मतलब कि ये लोग जो है अब कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे व्हाइट क्लोथिंग्स, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, और इस वजह से हमें व्हाइट क्लोथिंग्स पहनना काफी जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो चीजें थी वो मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई होने के बाद से वापस से जो पार्श्वनाथ की फिलोसफीज थी उनको ये लोग फॉलो करना शुरू कर दिए थे, जबकि दिगंबर लोग जो होता है वो महावीर को ही फॉलो करते थे। लेकिन अभी इनको जानकारी नहीं है दिगंबर लोगों को कि श्वेतांबर जो मतलब कि वहां पर रुक गए थे, उन लोगों ने अपना धर्म जो है मतलब कि अपनी फिलॉसफी जो होती है वो बदल दी है। जब दिगंबर लोग वापस आते हैं, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में आते हैं साउथ इंडिया से, तो ये लोग देखते हैं कि भाई ये जो जैन मॉन्क्स यहाँ पर रह गए थे उन लोगों ने तो यार अच्छा खासा मॉडिफिकेशन कर लिया है। दे स्टार्टेड वियरिंग क्लोथिंग्स एंड दे हैव फिलॉसफी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम महावीर फिलॉसफी। और इस तरीके से दोनों के बीच में एक डिवीजन हो गया, और इस डिवीजन के बेसिस पे ही जब फर्स्ट जैन काउंसिल हो रही थी, वहां पर दिगंबर लोगों ने कहा कि हमें इस काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द फिलॉसफीज ऑफ द महावीरा, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो पॉइंट टू ज्वाइन दिस समिट। और इस वजह से ये लोग समिट नहीं ज्वाइन किए थे, और अल्टीमेटली ये सीन हो गया था। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब जरा दिगंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि अब महावीर की फिलॉसफीज है कौन कौन सी फिलॉसफीज है। द मॉन्क ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी, जो कि महावीर बोलते थे। मेल मॉन्क्स जो होते हैं कुछ भी नहीं पहनते, और फीमेल मॉन्क्स जो होती है वो अनस्टिच्ड व्हाइट प्लेन साड़ी पहनती हैं। ये अपने फाइव वोज को फॉलो करते हैं, कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर ने दिए थे। इसके अलावा वुमेन जो होती है दे कैन नॉट अचीव सेल्फ लिबरेशन, ऐसा बोला जाता है। भद्रबाहु जो होते हैं इनके वो फॉलोअर थे एक तरीके से।
श्वेतांबर के बारे में बात करेंगे तो ये लोग व्हाइट क्लोथिंग्स पहनते हैं एंड दे फॉलो ओनली द फोर वोज जो कि पार्श्वनाथ ने दिए थे, कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को ये लोग नहीं मानते हैं, क्लियर, क्योंकि ये महावीर ने दिया था। दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो अचीव लिबरेशन, क्योंकि पार्श्वनाथ ने भी तो वुमेन को अलाउ किया हुआ था, और स्थूल भद्र जो है इनके एक्सपोनेंट थे, इसको आगे बढ़ाने वाले थे। अभी जो होते हैं इनमें काफी ज्यादा और भी डिविजन्स हो गए हैं, तो डिविजन को भी जरा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में जैन धर्म में और कौन से डिविजन हुए हैं। ये डिविजन जो होता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द लास्ट प्रीलिम्स वन क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम हियर, पूछा गया था, यह टाइम स्केल के बेसिस पर डिविजन को बताया गया है कि यहाँ पर 6th century BC में जो जैन है वो यूनाइटेड थी, यूनाइट होने के बाद फिर से श्वेतांबर और दिगंबर में ये टूट गई थी। हालांकि एक और सेक्ट था, दैट इज द यपनिया सेक्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यपनिया सेक्ट आगे जाकर के फिर से दिगंबर में ही मर्ज हो गया था विद द टाइम। अब श्वेतांबर भी समय के साथ में, मतलब कि 19th century में ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे एक है जो तेरापंथी हो गया, तेरापंथी वो है जो मंदिरों में अवतार की पूजा करते हैं, मतलब कि मूर्तियां स्टैच्यूज में ये फॉलो करते हैं। इसके अलावा स्थानकवासी, यही स्थानकवासी जो होता है वो प्रीलिम्स में पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है, तो अगेन जो होता है केवल नाम ही आपको याद रखना है स्थानकवासी, क्योंकि 19th century की सीधी सी बात है करंट अफेयर्स में भी बना हुआ था। इसके अलावा एक और है श्रीमद, दैट इज राजकेंद्र, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद श्वेतांबर, क्लियर हो गया क्या चीज है। दिगंबर सेक्ट में भी अगेन डिविजन हुए हैं, जैसे एक है जो बिसपंथी कहलाता है, दिस इज बिसपंथी, क्लियर, बिसपंथी। इसके अलावा जो है यहां पर तेरापंथी भी आए थे, तेरापंथी के अलावा तारापंथी, तारापंथी का मतलब नमा तारा, जो हम लोगों ने बात किया हुआ था अपने बुद्धिज्म में वज्रयान में कि माँ तारा की पूजा करते हैं, सेम वही यहां पर भी तारापंथी। एंड लास्टली इसी स्थानकवासी की एक सेक्ट निकल के आई जो दिगंबर को फॉलो करना शुरू करती, दैट इज द कैंजी पंथ, तो ये बेसिकली कैंजी पंथ है जो कि इसी तरीके से फॉलो कर रही थी, क्लियर हो गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एक्चुअल में रिलेटेड विद दिस बुद्धिज्म है, इनको जानकारी अगेन आपको होना चाहिए क्या चीजें हैं। एक है जिसका नाम है आश्रव, आश्रव का मतलब होता है एक तरीके से फ्लो, दिस इज समथिंग फ्लो, जैसे क्या होती है हमारी ब्लड फ्लो होती है ना, एक होता है इम्प्योर ब्लड होती है, दूसरी प्योर ब्लड होती है, जो इम्प्योर ब्लड होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, प्योर ब्लड जो होती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एंड दे कंटिन्यूअसली फ्लो एंड मेक अ बैलेंस, और इस तरीके से जो होती है हमारी बॉडी जो होती है वो सस्टेन कर रही होती है, सेम वही आश्रव यहाँ पर भी है, बट दिस आश्रव इज बेसिकली रिलेटेड विद द फ्लो ऑफ द कर्मा, कर्म जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, एंड दे मेक अ बैलेंस, बुरे कर्म जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं कंटिन्यूअसली अच्छे कर्मों के द्वारा, इस तरीके से पूरी जो जीवन है जो लाइफ है साइकिल है वो चलती रहती है। आश्रव मीन्स इनफ्लो एंड अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी डिफाइंड एज अ इनफ्लो ऑफ कर्मा टू द सोल, तो जो कर्म है जो आत्मा को जाता है ये बेसिकली आश्रव कहलाता है। द इनफ्लक्स ऑफ कर्मा अकर एट एवरी 6 seconds इन द लाइफ, इट इज दिस प्रोसेस दैट कीप्स आवर सोल वॉन्डरिंग इन द यूनिवर्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग फ्री। इसी आश्रव की तरह एक संवर भी होता है, दिस संवर मतलब कि स्टॉपेज, स्टॉपेज का मतलब होता है जो बुरे कर्म होते हैं वो रोके जाते हैं, दिस इज द स्टॉपेज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द मटेरियल कर्मा इन टू द सोल कॉन्शियसनेस, तो इस तरीके से जो है फ्री रखा जाता है सोल को। लास्टली आ जाती है एक निर्जरा, निर्जरा का मतलब होता है कि जो भी कर्म है जो आपने जो होता है स्टोर करके रखे हुए हैं उससे फ्री हो जाना, तो कोई भी चीज आपसे रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज आपसे बाधित नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो बना हुआ है अच्छे और बुरे कर्मों का, एंड इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल तत्व इन द जैन फिलोसफी एंड रिफर्स टू द शेडिंग और रिमूवल ऑफ एक्युमुलेटेड कर्मा दैट द आत्मा दैट इज एसेंशियल फॉर लिबरेटिंग फ्री फ्रॉम संसारा द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रिबर्थ बाय अचीविंग मोक्ष लिबरेशन। लास्टली कैवल्य के बारे में, कैवल्य तो आपको पता ही है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड विद अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज, तो दिस इज बेसिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और सुप्रीम विजडम। संलेखना के बारे में तो आपको पता ही है कि श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले संलेखना विधि से ही अपनी जीवन का त्याग किया था। इसमें होता क्या है, दिस इज वॉलंटरी फास्टिंग ऑन टू डेथ, मतलब कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये फूड और लिक्विड इन सबको त्याग कर दिया जाता है, नहीं लिया जाता है। लास्ट चीज आ जाती है हम लोगों की आज के डिस्कशन की, दैट इज रिलेटेड विद द लिटरेचर्स, तो हम लोग बात कर लेते हैं जरा
जैन धर्म के लिटरेचर के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा है जैन धर्म के लिटरेचर में बेसिकली हमारे पास अंग, उपांग और पूर्व कुछ लिटरेचर्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे आगम, पूर्व, इसके अलावा क्षमा, श्रवण, भागवती सूत्र। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अगेन लिटरेचर्स होते हैं। देखिए इससे सीधे क्वेश्चन आएगा, लिख दिया जाएगा आगम, पूर्वा, क्षमा सूत्र, भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है, तो आप बोल देंगे दिस इज जैन लिटरेचर। वन लाइनर क्वेश्चन होगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो एपिक्स हैं, इस एपिक्स में लिखने के लिए जैसे हमारे पास होता है ना हिंदी लिटरेचर में, मतलब कि हमारे जो वेदाज है उसमें दोहे होते हैं, छंद होते हैं, मतलब कई सारी चीजें होती हैं, उसी तरीके से यहां पर भी नियुक्ति भाषा और चूर्ण होता है। नियुक्ति का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं पैसेज, भाषा मतलब सब पैसेज, और चूर्ण का मतलब होता है द लैंग्वेज, द स्क्रिप्ट। ये जो है वो दोनों स्क्रिप्ट में लिखी गई है, प्राकृत और संस्कृत दोनों ही स्क्रिप्ट में लिखी गई है। एक चीज क्वेश्चन बनता है कि जैन लिटरेचर जो अर्ली जैन लिटरेचर है वो किसमें लिखे गए, तो आप बताएंगे दिस इज अर्ध मागधी में लिखे गए हैं, अर्ध मागधी ये स्क्रिप्ट है। हालांकि बाद में जो होता है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिख दिया गया था, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दोनों ही चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। आगे अगर देखेंगे तो देखिए हमारे पास, हम लोगों ने देखा था कि 12 जो है वो अंगाज लिखे गए हैं, और इस 12 अंगाज से रिलेटेड 12 उपांग लिखे गए हैं, जस्ट लाइक जैसे वेद है, वेद को कह लीजिए सिंप्लीफाई करते हुए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, सेम वैसे यहां पर भी है अंगाज और उपांग। इसी को लिखा गया है नियुक्ति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से और चूर्ण के माध्यम से। 12 अंग याद रखना, दिस इज वेरी टफ एंड अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी भी नहीं याद करना, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे एक है जिसको आचरांग सूत्र बोला जाता है, यह आचरांग सूत्र जो है वो आचरण के मतलब बिहेवियर के लॉज बताए गए हैं कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर एंड हाउ यू शुड मोल्ड योर बिहेवियर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से जो हाईलाइटेड वर्जन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो आचरांग सूत्र के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया, इसके अलावा भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र जो है वो महावीर के लाइफ के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके की लाइफ थी और क्या चीजें थी। इसके अलावा बताया गया है न्याधम कथा के बारे में, दिस न्याधम कथा इज बेसिकली कह लीजिए कि एक तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉलेज है, दिस इज बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, और ये क्या है महावीर के लाइफ के बारे में बताया गया है, दिस इज समथिंग विद बिहेवियर, दिस इज बिहेवियर। क्लियर हो गया। और लास्टली आ जाती है आपकी उपासक दशाओं, दिस इज उपासक, जो उपासक होते हैं मतलब जो एक तरीके से प्रोपेगेटर हैं उनके लॉज के बारे में बताया गया है, लॉज फॉर प्रोपेगेटर्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नाम जरूर है, लेकिन याद रखिएगा एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। लास्टली अगर देखेंगे जैसे अंगा है डिसअपीयर्ड फॉर दिस टाइम एंड अल्टीमेटली 512 में ऑर्गेनाइज की गई थी, द रिमेनिंग अंगाज वर रिटन डाउन अर्धमागधी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना ये अर्धमागधी में लिखा गया था जैन प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन बाद में प्राकृत में कन्वर्ट हो गए थे। इसके अलावा देखिए कई सारी सब कमेंटोरियल वर्क भी किया गया। सब कमेंटोरियल वर्क का मतलब ये होता है जैसे कि वेदास है, वेदास काफी टफ है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल लिखते हैं तो ऑब्वियसली दैट आर्टिकल विल नॉट बी इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर द जनरल पीपल, बिकॉज ही विल ऑब्वियसली यूज द टेक्निकल टर्म्स एंड द लैंग्वेज विल बी मोस्ट कॉम्प्लेक्स। बट क्या होगा, पहला दिन हिंदू में मान लीजिए आर्टिकल निकला डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगले दिन उसी आर्टिकल पे रेफरेंस बना करके एक सिंप्लीफाइड वर्जन में आर्टिकल निकलेगा। उस आर्टिकल को बोला जाता है कि सब कमेंटोरियल वर्क जो कि उस आर्टिकल के यूज पे बनाया गया है। हिंदी में इसको बोला जाता है टीका, दिस इज टीका, टिप्पणी होती है ना, टीका लिखना, यही चीज है टीका। जैन लिटरेचर्स पे जो टीका या सब कमेंटोरियल वर्क किया गया है वो कई लोगों के द्वारा किया गया है, जैसे हरिभद्र सूरी, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो कह लीजिए कि जो राइटिंग्स हैं वो है समरादित्य कथा, इसके अलावा धूर्ताख्यान और कथाकोश। इसी तरीके से शीलोक ने लिखा है, अभय देव सूरी ने लिखा है, मलय गिरी ने लिखा है, उद्योतन सूरी ने लिखा है, और इनकी जो रचना है उसका नाम है कुवलय माला। इसके अलावा लिखा गया है सिद्धर्षि सूरी के द्वारा, और इन्होंने जो लिखा है उप
मिति भन प्रपंच कथा लिखा गया है, इसी तरीके से जिनेश्वर ने लिखा हुआ है कथा कोश प्रकरण, लास्टली इसी तरीके से गुणभद्र ने लिखा हुआ है उत्तर पुराण, हेमचंद्र ने लिखा है परिशिष्टि पर्वन, हालांकि इसका डिस्कशन हम लोगों ने गुप्ता पीरियड में काफी अदा किया है, ध्रुवगुप्त के बारे में यहीं से जानकारी मिलती है, सोमदेव सूर्य ने लिखा हुआ है नीति व्याख्या मित्र, और लास्टली भद्रबाहु ने लिखा हुआ है कल्प सूत्र। तो इस तरीके से लिटरेचर से थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज इनसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजिली बन सकता है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा आपको कोई और चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है, दिस इज सेल्फ सफिशियंट। हालांकि जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे थोड़ा सा मे भी और ऐड करेंगे यहाँ पर जो भी चीजें रहेंगी, ऑब्वियसली दैट आर्ट एंड कल्चर सीरीज वो थोड़ी सी एडवांस वर्जन रहेगी, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली सेल्फ सफिशियंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन वेदर इट इज सिविल्स और स्टेट पीसीएस। एंड इस तरीके से आप जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्शन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर है वो प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही तैयार कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी जो कह लीजिए मोस्ट हर्डल्ड चीजें हैं वो आसान बन जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन सोशल मीडिया चैनल्स के बेसिस पे यूज करके पूछ सकते हैं, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।